एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नमीशा नाथ। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो काफ़ी दिनों के बाद मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आई हूँ। तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना आप लोगों के लिए एक बहुत ही इफ़ेक्टिव और आसान सा फेस पैक लाया जाए, क्योंकि आजकल जो है, अगर आप सोच रहे हो कि आपको अचानक से कहीं शादी या त्यौहार पे जाना है और आप काफ़ी दिनों से कोई पार्लर पे नहीं गए हो या कोई भी आप फेस पैक फेसियल वगैरह नहीं करवाए हो, तो ये जो आज का ये फेस पैक है तो आपके लिए बहुत 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 ही फायदेमंद होने वाला है और इसे आप बिल्कुल घर पे बना सकते हैं। इसके लिए आपको जो है कहीं पार्लर पे नहीं जाना है, आप इसे खुद कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, अगर कोई नया फ्रेंड मेरी वीडियो पहले बार के लिए देख रहे हो तो प्लीज़ नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर 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 शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम सबसे पहले फेस पैक को तैयार कर लेते हैं एंड उसके बाद मैं आपको बताऊंगी इसको इस्तेमाल करने का तरीका। तो इस फेस पैक को तैयार करने के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पर एक साफ कटोरी एंड उसके बाद मैं ले रही हूँ मुल्तानी मिट्टी, जो हमारे स्किन के लिए बहुत 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 ही अच्छा है। एंड इसका मैं लूँगी यहाँ पर एक चम्मच, एक्चुअली एक चम्मच से थोड़ा सा कम लिया है मैंने। एंड उसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ दही, जो सेम क्वांटिटी का है, जितना मैंने मुल्तानी मिट्टी लिया था बस उतना ही मैंने दही लिया। एंड उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड करूँगी गुलाब जल एक चम्मच। तो मैं यहाँ पर गुलाब जल एक चम्मच ऐड कर रही हूँ। अगर आप क्वांटिटी बढ़ा दोगे, मतलब कि आप मुल्तानी मिट्टी और दही का क्वांटिटी बढ़ा दोगे, तो आपको जो है दो चम्मच लेना है। तो हमारे यहाँ पर तीनों इंग्रेडिएंट्स अच्छे से डाल गया है एंड उसके बाद हमें क्या करनी है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेनी है। और तब तक आपको मिक्स करनी है जब तक ये एक फेस पैक ना बन जाए। आपको बस ध्यान रखना है कि ये बस सूखा सूखा ना रहे, बस बिल्कुल एक पैक की तरह बन जाए अच्छे से। तो आपको इसे अच्छे से मिक्स कर लेनी है। तो चलिए, हमारा ये जो है अच्छे से मिक्स हो गया है एंड इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं ये एक कितना अच्छा एक फेस पैक बनके तैयार हुआ है। अब चलिए मैं इसको बताती हूँ आपको कि इसको अप्लाई करने का तरीका। तो इस फेस पैक को अप्लाई करने से पहले आपको अपने फेस को, अपने स्किन को अच्छे से क्लींजिंग कर लेनी है। मैंने यहाँ पर पहले ही क्लींजिंग करके रखा था तो अभी मैं इसको डायरेक्टली अप्लाई करूँगी, लेकिन आपको जो है क्लींजिंग कर लेना ज़रूरी है। तो आपको जो है इस तरीके से पूरे फेस पे आपको जो है फेस पैक लगा लेनी है। जो फेस पैक लगाने वाला ब्रश होता है आप उससे कर सकते हैं, मैं यहाँ पर अपने हाथों से कर रही हूँ क्योंकि मुझे अपने हाथों से करना पसंद है, इसलिए मैं अपने हाथों से कर रही हूँ। तो आपको जो है बिल्कुल पूरे स्किन पे, पूरे फेस पे लगा लेनी है। तो चलिए मैं इसे जल्दी से लगा लेती हूँ। फ्रेंड्स, इस फेस पैक को आपको हफ्ते में दो बार ज़रूर करना है अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो, लेकिन रोज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है और वैसे भी रोज़ कोई नहीं कर सकता, इतना पॉसिबल नहीं है कि रोज़ करें, लेकिन फिर भी आपको हफ्ते में दो बार ज़रूर करना है अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो। और फ्रेंड्स, फेस पैक, फेस मसाज और फेसियल को लेके मैंने काफ़ी सारा वीडियो ऑलरेडी अपलोड करके रखा है, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही आसान आसान सा तरीका मैंने बता के रखा है। आई होप कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, तो आप इसे ज़रूर 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 अप्लाई कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने अपने पूरे फेस पे अपने फेस पैक को अच्छे से लगा लिया है एंड उसके बाद हमें इसको जो है 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। आप चाहो तो इसे 15 मिनट रख सकते हैं, लेकिन 15 मिनट से ज़्यादा आपको इसे नहीं रखना है। जब 15 मिनट हो जाएंगे तो आपको अपने फेस को हल्के गुनगुना पानी से जो है आपको अच्छे से साफ़ कर लेना है एंड उसके बाद जो है आपको एक बहुत ही लाइट मॉइस्चराइज़र से अपने स्किन को, अपने फेस को मसाज कर लेनी है। तो फ्रेंड्स, यही था मेरा आज का वीडियो। बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल ही होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।